हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सूट की कटिंग करेंगे और ये बिना बेल्ट के सलवार बनाएंगे और बहुत ही ओल्ड एज लेडी का सूट है। वो खुद तो नहीं आती बेचारी, काफ़ी एज की है, तो उनकी बहू देकर गई थी सूट सिलने के लिए। ये देखिए, बिना बेल्ट के हैं और ना इसका घेरा भी ज़्यादा नहीं है, तो मैं सब सारा कुछ चेक करके फिर ही कटिंग करती हूँ। ये देखिए, 15 इंच के कुंदे हैं और 5 इंच के पल्ले थे, ये डबल फोल्ड करके 10 इंच के थे। तो लेंथ थी सलवार की इनकी, सलवार की लेंथ थी इनकी 35 इंच। तो ये बिना बेल्ट के बनाएंगे हम इसको। 35 इंच है रेडी इनकी सलवार, तो बड़ी स्लिम ट्रिम सी है दादी, जैसे काफ़ी स्लिम है। वो एज ज़्यादा हो जाए ना तो फिर बीमारियां लग जाती हैं, उससे शरीर ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। आसन थी 14 इंच रेडी। तो सारा कुछ मैंने नाप कर रख लिया है, अब सूट की मैं नाप लूँगी। सूट का गला ना वो रेप पट्टी लगा कर बनाया है, बड़े गंदे तरीके से बनाया हुआ है। मतलब लगता है उन्होंने घर में पहले खुद ही सिल दिया होगा, तो इस बार ना बाहर से सिला कर दे रहे हैं। तो लेंथ है सूट की 37 इंच, 37 इंच। नेक है फ्रंट का, इनका नेक था, गला था 5 इंच और बैक साइड का था 3 इंच, बहुत छोटे नेक थे। और बाजू थी इनकी 15.5 इंच और मोरी थी 5 इंच। तो अब बस्ट देखेंगे, बस्ट है इनकी 38 इंच। सीधा सीधा ही है बिल्कुल सूट, उन्होंने ना पता नहीं कहाँ से जाँच सीखने वाली से शायद बनवाया होगा, बड़े गंदे तरीके से सिला हुआ है। 38 इंच है, तो नीचे भी 38 इंच ही था, लेकिन मैंने 37 लिख लिया, थोड़ी सी तो शेप बनाएंगे दादी की। तो हिप है 44 इंच, पेट से खुला ही डालते हैं ना, फिर मुश्किल हो जाता है बुज़ुर्ग बंदे को। तो ये देखें, हिप है इनकी 44 इंच। तो ये साइड भी नाप लेती हूँ, साइड इनकी थी 15.5 इंच, तो मैं 16 पर रखूँगी मार्किंग, क्योंकि पेट के काफ़ी नीचे तक थी साइड, और छोटी सी हाइट की है, मैंने देखी हुई है। तो ये ना मतलब जो पार्लर वाली है उसकी दादी सास है, एक सास है और उसकी भी सास है आगे से, इतनी ज़्यादा एज की है ये। और ये ना सूट उन्होंने लिया था तो एम्ब्रॉयडरी है नीचे, वो बोल रही थी कि एम्ब्रॉयडरी निकाल देना क्योंकि भारी हो जाएगा, ज़्यादा ही बुज़ुर्ग है तो उसको भारी ना लगे घेरे से, तो इसलिए ना इसकी एम्ब्रॉयडरी मैं कट कर दूँगी जो नीचे घेरे के ऊपर है। तो ऊपर छोटे छोटे से फूल हैं वो रह जाएंगे, और ये कढ़ाई में कट कर दूँगी। लेस भी उधेड़ कर मैंने रख दी है। लेकिन जब इतनी एज हो जाती है ना तो फिर घर वालों की पसंद के कपड़े पहनने पड़ते हैं, तो उसको बेचारी को पता ही नहीं कि कैसा सिला कर देंगे, जैसा सिला कर देते हैं ना पहन लेते हैं जो बुज़ुर्ग हो जाए। तो हमारे साथ भी ऐसा ही होगा, अगर इतनी उम्र हो गई ना तो फिर अपने पसंद के कपड़े पहनाया करेंगे। अब तो हम पसंद कर करके मार्केट से लेते हैं, ये नहीं लेना, ये वाला कलर लेना है, तो इनको तो जो मिल जाए बस पहन लेते हैं बेचारे। ये कढ़ाई के ऊपर मैंने लगा दिया है निशान, और 37 इंच रेडी है ना, 3 इंच एक्स्ट्रा लेकर 40 इंच पर निशान लगाऊंगी, वो एम्ब्रॉयडरी कट कर देंगे क्योंकि घेरा भारी नहीं होना चाहिए। तो सूट का कलर बहुत ज़्यादा लाइट था, अगर फर्श थोड़ा डार्क होता तो अच्छा होता। 6 इंच तीरा लिया है, नीचे को 6.5 इंच ले लिया है, तो 9.5 पर ही लगाया है बस्ट का चौथा भाग, 1 और 2 इंच पर निशान लगाकर 2 वर्ग लाई डाल दी है। तो यहाँ से 2 इंच सीधा, 7.5 पे कमर का और 16 पर हिप का निशान लगाया है। कमर है 37 इंच, चौथा भाग 9.75 लगाया है, और जो हिप है वो 44 इंच रेडी है, 11 इंच पर निशान लगा दिया था और इनको आपस में मिला लिया है, और सबसे लास्ट पर घेरे का निशान भी लगा दिया है, घेरा भी 11 इंच लगाया था, और बस्ट से और कमर से 2-2 इंच और हिप के पास से 1.5 इंच का निशान लगाकर अब इसको हमने कट कर देना है। तो बहुत ही लाइट कलर का सूट था, जैसे क्रीम कलर सा। तो बाकी कैमरा भी मेरा अच्छा नहीं है, इतना अच्छा दिखाई नहीं देता। तो यहाँ से हमने कट कर देना, तीरा मैंने 6 इंच ही लिया है क्योंकि ना नीचे को गिरी जाएगा, फिर बुज़ुर्ग बंदा है, मैंने टिच बटन भी नहीं लगाए थे, तो उन्होंने ना अपनी तरफ से रेप पट्टी ही लगाई हुई थी दोनों नेक के ऊपर, कहीं से जाँच सीखने वाले से बनवा दिया होगा। तो ये सीधा कर लेना है इसको कट करके। तो अब हमने सलवार कट करनी है, फिर बाजू कट करेंगे, अभी तो सच एक और पल्ला निकालना है। तो 11 है ना हिप ही चौथा भाग, 12 और 13 इंच कपड़ा फोल्ड कर लूँगी, और फ्रंट का पल्ला रख कर बैक साइड का पल्ला भी इसको कट कर देंगे। कपड़ा तो वैसे कॉटन का था, तो मुझे ना कैमरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि कैसे आ रहा है, तो
जैसी बनी मैंने बना दी वीडियो, क्योंकि ना ये सॉरी लाइट बीच कलर में का ना फोन आ कट गया था, तो उसकी रिंग सुनाई देगी वीडियो में, पर मैं अब कट नहीं करूँगी, बहुत जल्दी होती है इस टाइम। और ये ना मैं फ्रंट का पल्ला सेट करके बैक साइड का पल्ला भी कट कर रही हूँ, और मुझे दिखाई नहीं दे रहा था कैमरे में कैसी वीडियो बन रही है, तो सॉरी थोड़ा सा ना पीछे रह गया है। तो फ्रंट के पल्ले के अकॉर्डिंग ही हमने बैक साइड का भी कट कर लेना है। थोड़ा चटक मटक कपड़ा हो तभी दिखता है, कैमरे में तो ऐसे दिखता नहीं, फ़ोन बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है ना। तो ये देखिए वीडियो, हमने बैक साइड का पल्ला भी कट कर लिया है। अब इसको ना कपड़े को फिर से मैं सीधा कर दूंगी, जो आगे की तरफ कपड़ा बचा है उसको सीधा करूंगी, और ये आगे की काट भी डालनी है। ऊपर से कंधे मैंने आधा इंच डाउन कर लिए थे, साथ ही आगे की काट भी डाल दी है। अब फ्रंट बैक साइड के पल्ले के ऊपर हमने नेक कट करना है, 3 इंच का है, 2.5 इंच चौड़ा और 3 इंच लंबा लूँगी। तो मैंने ना 2.25 इंच लिया था, 2.5 इंच नहीं लिया, क्योंकि नेक की चौड़ाई मैंने सोचा कम बनाते हैं, क्योंकि कंधे गिरेंगे, बहुत ही वीक है, कमज़ोर सी है ये ओल्ड एज लेडी बेचारी दादी अम्मा। तो ये हमने फ्रंट का पल्ला है ना, इसकी हमने फिटिंग दूसरी साइड पर भी लगानी है। ब्लू कलर का चौक भी यूज़ कर रही थी, कपड़ा तो नहीं दिख रहा भाई, तो चौक भी नहीं दिख रहा, जब किस्मत ख़राब हो ना। वैसे भी कौन सा वीडियो चलती है ऊपर से ये स्यापे हो जाते हैं, कलर लाइट है और चौक भी नहीं दिखते। और ये देखिए फिटिंग का निशान मैंने कर दिया है पक्का, दोनों साइड पर फिटिंग के निशान हो गए। अब नेक का भी लगा लूँगी थोड़ा सा ना, वैसे नेक का नहीं लगाया था मैंने ये देखे मैं, क्योंकि उन्होंने रे पट्टी लगाई थी, मुझे लगा कि बुकरम चुभेगी उनको, तो मैं ना सिर्फ कपड़े से ही नेक बनाऊँगी, लेकिन थोड़ा सफाई के साथ बनाऊँगी। उन्होंने तो बहुत ज़्यादा फा बढ़िया होया सी। तो ये कपड़ा है वेस्ट मेरे पास, इसको ना डबल करके मैंने ऊपर रख दिया है, बिल्कुल सेम जैसे कन्नी के ऊपर कन्नी। अब हमने दोनों के नेक कट कर देने हैं। 2.25 इंच चौड़ाई ली है और 5 इंच गहराई थी, 5 इंच था इनका फ्रंट का नेक, ये देखें 2.25 और 5 इंच का बॉक्स बनाना है। तो इसको हमने यू शेप में कट कर देना है, राउंड राउंड वाला ही नेक बनाऊंगी मैं। तो बैक साइड का तो 3 इंच है, पता चल ही जाएगा फ्रंट का बैक का। ये देखें नेक कट हो गया, साथ में ही कपड़े के ऊपर भी कट हो गया है। तो ये देखें इसको साइड पे करके ना, ये फ्रंट का पल्ला है, छोटे छोटे फूल रह गए, नीचे का घेरा हमने कट कर दिया है एम्ब्रॉयडरी वाला। और ये है नेक, इसके साइड पे 1.5 इंच का मार्जिन छोटे हुए कपड़ा कट कर लिया है मैं, अंदाजे से कट किया है। आप चाहें तो इंची टेप से भी निशान लगा लें, ऐसे कपड़े का नेक बन जाएगा। ये देखें ये नेक अंदर ही सेट करके रख देती हूँ, बैक साइड के ऊपर सिंपल और पट्टी लगाऊंगी, और यहाँ पर मैंने कपड़े का नेक लगा देना है। अब इसको काट छाट कर सीधा करेंगे कपड़े को। तो जैसे हम ये पूरा कपड़े का अगर मैं कुंदे निकालूंगी ना, बहुत ज़्यादा चौड़ाई हो जानी है सलवार की, तो उन्होंने कम बनाई हुई थी, मेरी मम्मी भी ऐसी सलवारें ही पहनती थी बिना बेल्ट के, तो अभी भी उनके सूट पड़े हुए हैं, तो बिना बेल्ट के भी पहले डालते थे ना लोग, टाइम के साथ धीरे धीरे चेंज हो जाते हैं कई लोग, तो कई तो वैसे ही डालते हैं। जैसे 15 इंच रेडी थे ना उनके कुंदे, तो मैं 16 इंच ले लेती हूँ, 1 इंच सिलाई में जाएगा, क्योंकि आधा इंच दोनों साइड से आधा आधा इंच जाएगा, तो 16 इंच की चौड़ाई में लूँगी मैं कुंदे। तो जैसे इनकी सलवार है 35 इंच, तो इनकी बेल्ट तो कुछ निकालनी नहीं, 3 इंच एक्स्ट्रा ही लेना है। जैसे सबसे पहले कपड़े को डबल फोल्ड कर लूँगी पूरे को, तो फिर सलवार की कटिंग करते हैं हम। मैंने ना आज कुछ भी स्किप नहीं किया, बस ऐसे ही वीडियो को ना थोड़ी सी फास्ट करके चला दिया। तो यहाँ से लेना है 38 इंच, 35 रेडी है ना, 38 इंच, 3 इंच एक्स्ट्रा। तो 1.5 इंच के कुंदे ले लिए हैं मैंने, मुझे ज़्यादा लेने चाहिए थे लेकिन मैंने 1.5 के ले लिए। तो पोंछे के बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई लगी है, अब भगवान करे उनको आ जाए। तो यहाँ से आसन लेनी है, 14 इंच रेडी थी ना, ये पहले 38 इंच का निशान है, तो यहाँ से लेना है 16 इंच। पूरा नहीं रखना कपड़ा, नहीं तो ना फिर उनको शायद ज़्यादा चौड़ाई हो जानी है सलवार की। 14 इंच रेडी है, तो 3 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, 15, 16 और 17 इंच पर निशान लगाया है। 2 इंच ऊपर से घेरा जाएगा, आधा इंच नीचे से भी चल जाएगा सिलाई में, तो इसलिए मैंने बस 3 इंच एक्स्ट्रा ले ली है, 14 में 3 इंच बढ़ाकर 17 इंच की आसन ली है। तो यहाँ से तिरछा निशान लगा देना है। मेरी मम्मी की सलवार बनाती थी ना मैं ऐसी, तो मैं 15 इंच आसन लिया करती थी, तो इनका मैंने जैसे नाप है ना वैसा वैसा ही कट करना है, अपनी मर्जी से नहीं करूँगी। ये देखें बिल्कुल सिंपल तरीके से 2 कुंदे कट गए हैं, और 2 अब और कट करेंगे। ये देखें 2 कुंदे हो गए,
तो अब इसको उठाकर इसके ऊपर रखना है और दो कुंदे और कट करने हैं। जगह कम होने की वजह से ना ये मुश्किल हो जाता है कपड़े को बिखराना, और ना पंखे की वजह से उड़ते भी बहुत हैं। पता नहीं, भगवान करे जल्दी सर्दियाँ आ जाए, थोड़ा ठीक कर दे मौसम भगवान, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। कभी कभी सोचती हूँ कि जो थोड़ा सा कमज़ोर बंदा होगा ना, वो तो इतनी गर्मी नहीं बर्दाश्त कर पाएगा, मर ही जाएगा। तो ये देखिए चार कुंदे हो गए हैं, तो ये आसपास जो कतरे निकल रही हैं ये वेस्ट ही जाएंगी, क्योंकि सलवार ही इसी तरीके की है, उनको कुंदे जो है ना वो कम डाले हुए थे उन्होंने चुड़ाई में। ये चार कुंदे हो गए हैं, तो अब हमने पल्ले कट करने हैं सलवार के। ये देखें ये चार हो गए हैं, चार तय है इसकी। अब पल्ले कट करेंगे, पल्ले भी ऐसे कट करने हैं जैसे 5 इंच रेडी थे ना, मैंने 5.5 इंच कपड़ा फोल्ड करके डबल फोल्ड, तो कुंदे इसके पल्ले कट किए थे सलवार के। बेल्ट नहीं कट करनी, बेल्ट वाली नहीं है ये सलवार। इसको सीधा कर लिया है, यहाँ से हमने सलवार के पल्ले कट करने हैं, और साइड से कपड़ा बचा था वहाँ से बाजू आराम से हो गई थी, कोई जोड़ जोड़ नहीं लगाया था। ज़्यादा कपड़ा ना इस सूट में वेस्ट हुआ है, क्योंकि ये सलवार अजीब तरीके की थी ना। तो ये हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया है, अब इसके पल्ले कट करने हैं। जैसे इनके पल्ले 5 इंच थे, तो ये मैंने 5.5 इंच लिया था, वैसे मुझे ज़्यादा लेना चाहिए था, अब पछतावा हो रहा है, क्योंकि पोंछा बनाने में दिक्कत हो रही थी। जैसे 7.25 था, तो ये 6 इंच ही रेडी हुआ है, देखें अब क्या होता है। वैसे तो कमज़ोर सी है ना, बड़े पोंछे तो नहीं चाहिए उनको। तो ये हमने इसके पल्ले कट करने हैं सलवार के। ऊपर से आड़ा तिरछा कपड़ा है, इसको सीधा कर लिया है। 38 इंच लूँगी इसकी मैं लेंथ, 38 इंच, और सीधा सीधा कट कर देना है। सलवार के पल्ले तो सिंपल ही होते हैं स्क्वेयर शेप में, तो जो आगे कपड़ा बचा है वहाँ से हमने कट कर देनी है बाजू। तो मैंने इसका नाप लेना भी आपको दिखाया था ना इस सूट का, ये देखें ये 38 इंच के दो पल्ले हो गए हैं। तो अब इनको साइड में करके ना, तो हमने यहाँ से बाजू कट कर देनी है। ये कपड़े को डबल फोल्ड कर लूँगी, डबल है पहले ही, अब 4 फोल्ड हो गया, ऊपर की साइड पर जुड़ा है, बाकी सारा खुला है। नीचे से 3.5 इंच निशान लगाकर गुलाई डालनी है, और इसकी लेंथ लेनी है बाजू की, 15.5 थी ना, मैंने 18 इंच ले ली थी, बाकी जो बचेगी ठीक है। तो यहाँ से लिया है 3.5 इंच, और यहाँ से गुलाई डाल देनी है, और मोरी अंदाजे से लगा ली है, बाद में मैं 5 इंच लूँगी मोरी इसकी। तो ये बाजू भी कट हो गई है आसानी से, कपड़ा खुला डुल्ला था, 5 मीटर था। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।